हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, आपके सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू बजाज प्लेटिना की गाइज 110cc कम्फर्टेक वेरिएंट। एंड गाइज, ये ABS वेरिएंट नहीं है। एंड गाइज, यहाँ पे आपको E20 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब गाइज, ये 2023 की बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। एंड गाइज, इस व्हीकल का हम लोग फुल डिटेल रिव्यू करने वाले। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, क्या इंजन में पावर एंड टॉर्क मिल जाता है, क्या माइलेज, क्या प्राइसिंग करता है, एंड ये बाइक आपके लिए लेना 2023 में कितना बढ़िया होगा, वीडियो के अंत तक बिल्कुल आपको मालूम चल जाएगा। गाइस, चैनल पर नए होंगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट हमेशा पाने के लिए। एंड वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो भाई, बजाज की कोई बाइक चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइस, की से कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, बजाज की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड गाइस, वही ओल्ड जैसा यहाँ पे आपको प्लेटिना का की देखने को मिलता है। एंड गाइस, अगर देखते हैं इसके ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल को, तो सबसे पहले गाइस फ्रंट में आते कुछ ऐसी लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी सही सी लुक निकल के आती है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको ब्लैक रंग का वाइजर मिलता है, यहाँ पे आपको LED DRL मिलेगा। हेडलैम्प को देखते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस एल्यूमिनियम सेटअप, हेडलैम्प, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, यहाँ पे टर्न लाइट मिलेगा। एंड गाइस सस्पेंशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, मडगार्ड यहाँ पे फाइबर का मिलता है, यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाती है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, साइड में रिफ्लेक्टर मिलेगा। एंड अगर टायर प्रोफाइल को देखते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है 80x100 सेक्शन टायर भी, 70 inches ऑफ अलॉय व्हील। एंड गाइस, काफी सही सा यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है, और कुछ ऐसा इसका गाइस आ जाता है ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल। जहाँ पे गाइस सबसे पहले अगर आप टैंक को देखते हैं तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको भाई इसका ओवरऑल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस आपको फ्यूल लूक मिलेगा, E20 की ब्रांडिंग, प्लेटिना की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे टैंक मिलता है। साइड प्रोफाइल में गाइस यहाँ पे साइड पैनल कुछ ऐसा मिलेगा, ब्लैक कलर का इंजन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बजाज की ब्रांडिंग। एंड गाइस, यहाँ पे गियर ट्रांसमिशन को देखेंगे तो यहाँ पे आप 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन पूरा देखेंगे, कुछ ऐसा गियर लीवर मिलता है। एंड पूरा गाइस यहाँ पे आपको चैन कवर है वो फाइबर का मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है भाई। और रियर में गाइस आपको डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, गोल्डन कलर में काफी ठीक सा सस्पेंशन लगता है। 110 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है भाई, जो कि ब्लैक कलर का है। एंड कुछ ऐसा ओवरऑल सीट मिलता है, सीट गाइस इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे आपको काफी बढ़िया स्पेस देखने को मिलता है, 3 लोग भी बैठ जाएंगे तब भी भाई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड गाइस, अगर देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, तो यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है अपना स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे एनालॉग फ्यूल गेज मिलेगा बजाज की ब्रांडिंग। एंड गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है, यहाँ पे की नॉब मिलेगा। इधर गाइस आपको मिल जाता है अपना लाइट कंट्रोल, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा। एंड गाइस लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इधर आपको पास का बटन मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, टर्न लाइट इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच। कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे गाइस आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, क्लचर देखने को मिल जाते हैं, और बाकी कुछ ऐसा ओवरऑल साइड प्रोफाइल मिलता है। एंड गाइस, साइड प्रोफाइल इसका काफी सारे खूबसूरत लगता है, यहाँ पे आप जो ग्राफिक्स को देखते हैं। एंड यहाँ पे गोल्डन कलर का जो इसका सस्पेंशन है, और यहाँ पे गाइस आप देखते हैं तो फाइबर का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चैन कवर। और गाइस अगर देखते हैं इसको ओवरऑल रियर प्रोफाइल को, कुछ ऐसी इसको ओवरऑल रियर प्रोफाइल मिल जाती है, जहाँ पे गाइस ब्रेक लाइट अगर आप देखते हैं तो रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ब्रेक लाइट मिलेगा, टर्न लाइट इंडिकेटर हैलोजन मिलता है, यहाँ रिफ्लेक्टर मिलेगा, नॉन फंक्शनल नंबर प्लेट होल्डिंग के सेटअप एंड काफी लंबा सा आपको एक वाइजर देखने को मिलता है। सो गाइस, ये है इसकी ओवरऑल रियर की प्रोफाइल। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको ग्रैब रेल मिल जाएगी, कम्फर्टेक की ब्रांडिंग। और गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ओवरऑल इसका मिलता है राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस एग्जॉस्ट को देखते हैं कुछ ऐसा हो, यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलता है, क्रोम की यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगी, यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सस्पेंशन। एंड गाइस रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 80x100 सेक्शन के टायर मिलते हैं, 70 inches ऑफ अलॉय व्हील। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्रम ब्रेक 130mm का, यहाँ पे गाइस आपको सेल्फ के साथ किक भी मिलता है, बजाज की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रेक लीवर। और गाइस यहाँ पे देखते हैं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का पूरा यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टैंक पैड मिलेगा, प्लेटिना की ब्रांडिंग, यहाँ पे गाइस आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग का एक परफॉर्मेंस मिल जाता है जो कि ASB है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टर। सो गाइज, ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात करते हैं गाइज इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, कि क्या यहाँ पे आपको ओवरऑल पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है अपने व्हीकल में। गाइज, ये था इसका वॉक अराउंड, फ्रंट का प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसा लुक मिलता है। अब बात करते हैं भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले गाइज हम लोग बात करेंगे इसकी इंजन की। गाइज, यहाँ पे आप सभी लोग को मिल जाता है 115cc सिंगल सिलेंडर FI BS6 एयर कूल्ड इंजन, जो कि जनरेट करता है मैक पावर 6.3 किलोवाट का पावर 7000 RPM पे, एंड 9.8 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 RPM पे। टॉप स्पीड को देखते हैं गाइस 90+ km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है इसमें। और गाइस यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर का देखने को मिलता है। और गाइस अगर देखते हैं ब्रेकिंग को, तो फ्रंट में मिल जाता है 130mm का ड्रम ब्रेक, एंड रियर में आपको मिलता है 110mm का ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। और गाइस अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसके ओवरऑल डायमेंशन की, तो यहाँ पे गाइस आपको जो इसकी लेंथ मिलती है 2006mm की मिलेगी, ओवरऑल हाइट मिलती है 1100mm की, व्हील बेस 1255mm की मिलती है। एंड गाइस ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पे गाइस आपको काफी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है अपने प्लेटिना 110 में, यहाँ पे गाइस आपको 200mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और गाइस अगर बात करेंगे सीट हाइट की, तो यहाँ पे आपको 807mm की इसकी ओवरऑल सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और गाइस कॉर्बेट को देखते हैं तो 190-122 kg की इसकी ओवरऑल आपको कॉर्बेट देखने को मिलेगी भाई। गाइस लुक वाइज काफी सही व्हीकल, स्पेस भी काफी सही मिलता है, और सबसे बड़ी बात की गाइस आपको प्लेटिना में माइलेज बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है।
एंड गाइज यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपके सामने खड़ी है बजाज लिखना 110 कम्फर्ट टेक। इसकी प्राइस गाइज आपको पड़ जाती है अप्रॉक्स 90,000 ऑन रोड। एंड गाइज जो प्राइस है वो सिटी सिटी वैरी कर सकती है। एंड गाइज ये था इसका गाइज पूरा ओवरऑल वर्क अराउंड एंड क्या इंजन में पावर एंड टॉक मिलता है, डायमेंशन एंड लुक कैसा देखने को मिल जाता है। बाकी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट हमेशा पाने के लिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।